परिषद जिंदाबाद, परिषद जिंदाबाद, डिप्टी सीएम जिंदाबाद, डिप्टी सीएम जिंदाबाद। बिहार में शिक्षा के एक नए युग का शुभारंभ डिजिटल एजुकेशनल लर्निंग लैब उद्घाटन करता सुबह के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा होने जा रहा है। कटिहार के बेलवा गांव स्थित रामप्रीत सिंह उच्च विद्यालय में डिजिटल एजुकेशनल लर्निंग लैब का शुभारंभ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया। इस मौके पर कटिहार के पूर्व सांसद निखिल चौधरी, पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह, जिला के शिक्षाविद पूर्व प्राचार्य के भीजा कॉलेज के राजेंद्र मंडल सहित कई अतिथियों ने मंच की शोभा बढ़ाई। पटना से आए डिजिटल एजुकेशनल मिशन के संस्थापक सौरभ भगत ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया और डिजिटल एजुकेशन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अनफोल्ड ऐप के माध्यम से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से बच्चे मुख्य धारा में जुड़कर देश के अनुभवी शिक्षकों से पाठ पढ़ पाएंगे। संक्रमण काल में जब विद्यालय बंद थे तो डिजिटलाइजेशन के द्वारा और इस प्रकार की शिक्षा दी गई है और विशेष तौर पर जो डिजिटल प्रोग्राम का आज प्रारंभ हुआ इस विद्यालय में उससे बच्चे बहुत जल्द ही जो पाठ्यक्रम के जो कुछ जटिल विषय हैं उसको वो ग्रहण भी कर लेंगे और इस तरह की जो शिक्षा वो प्राप्त करके मुझे लगता है कि विषय वस्तु को समझने में उससे ज्यादा आसानी है। सर ये निःशुल्क दी जा रही है तहत जो है डिजिटल लर्निंग एजुकेशन का उद्घाटन किया गया। भारत वर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट का आज छठा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। 6 साल में डिजिटल इंडिया को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक डिजिटल एजुकेशन मिशन पूरे भारतवर्ष में चलाने का बीड़ा उठाया है जिसमें तकरीबन आज 6000 से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में। उसी क्रम में बिहार प्रदेश में आज बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा चयनित एक विद्यालय रामप्रीत सिंह उच्च विद्यालय बेलवा कटिहार में आज इस डिजिटल एजुकेशनल लैब का एक भव्य शुभारंभ
सूबे के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा किया गया। इसके माध्यम से विद्यार्थी को किस तरह से फायदा पहुंचेगा? बच्चे जो भी पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे, वो जो किताबें में जो पढ़ेंगे, जो कहानी पढ़ेंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसका एक भव्य रूप से एक एनिमेशंस के माध्यम से 5 अलग अलग तरीकों से उसको डिजिटल भी देख पाएंगे, एक मूवीज के द्वारा कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों से कोई फी नहीं लिया जा रहा है, यह बिल्कुल निःशुल्क है। जब तक बिहार सरकार इसको देख ले, परख ले, और इसके लिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार अगर कोई परियोजना चलाएगी तो उसमें वो फी का जिक्र किया जाएगा। अभी फिलहाल ये बिहार में 17 जगहों पे इसका उद्घाटन किया जा चुका है, 17 जगह पे। ये इतना कारगर है कि अगर हम आज कंबल बांट दें तो सिर्फ शीत ऋतु में हम आपको मदद कर पाएंगे, अगर हम आपको भोजन पदार्थ बांट दें तो कुछ दिनों तक आपके यहाँ राशन चलेगा, लेकिन अगर शिक्षा का दान दे दें और शिक्षा का ज्ञान दे दें तो आने वाले समय में आप पूरी जिंदगी इस शिक्षित समाज का हिस्सा बनेंगे और अपने लिए रोटी कपड़ा मकान मुहैया करवा सकेंगे, ऐसा उनका मानना है। मैं सौरभ भगत, डिजिटल एजुकेशन मिशन संस्थापक, भारत। लैब का उद्घाटन किया गया, इससे विद्यार्थी को किस तरह से लाभ पहुंचा? डिजिटल एजुकेशन लैब का अर्थ हुआ इसमें जो बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह का एजुकेशन हो गया। तो ऑफलाइन तो हम लोग पढ़ाते ही थे, जो शिक्षक और छात्र आमने सामने होते थे, लेकिन डिजिटल एजुकेशन लैब के द्वारा अब बच्चे ऑनलाइन के द्वारा जो सुदूर सुदूर क्षेत्र में, दूर दूर क्षेत्र में जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनके ज्ञान को हम लोग डिजिटल एजुकेशन लैब के द्वारा बच्चों के पास पहुंचाएंगे, इसीलिए डिजिटल एजुकेशन लैब का उद्घाटन आज किया गया। कैसे प्रभावित होंगे और इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्या खासियत? इसके लिए हम बच्चे को उत्साहित भी करेंगे, दिखाएंगे, और हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे, जो कमी रहेगी उसको फिर हम लोग दर्शाएंगे, बच्चों को समझाएंगे ताकि बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो। और कितना व्यय करना पड़ेगा? उसके लिए कोई व्यय नहीं, बच्चे को कुछ नहीं, निःशुल्क है, कोई व्यय नहीं है, एक्स्ट्रा कोई व्यय नहीं लिया जाएगा। हाँ, पूरे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आजकल बच्चे डिजिटल अर्थात मोबाइल टीवी से जो लगाव रखा है वो बच्चे का झुकाव अच्छे ही हो जाएगा। जो मोबाइल से गलत भटक रहा था, अब डिजिटल एजुकेशन वही चीज़ है लेकिन शिक्षा की तरफ भटकेगा, और मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी विकास करेगा। किसमें? हाँ, इसमें स्कूल को अभी कटिहार जिला में दो इस संस्थान के द्वारा 2 एजुकेशन लैब को किया गया है, स्कूल को, एक अपना स्कूल। और क्या परिचय? मेरा नाम राधा रमन सिंह, रामप्रीत सिंह विद्यालय के हम संचालक हुए और इसका सब कुछ करता धरता हम हैं इस विद्यालय। ऐसी ही खबरों के लिए करें SEE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।